हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मुस्कान। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या 360। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 10 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन एंड आंसर, साथ ही में उनसे रिलेटेड कुछ डिटेल। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में पास दिए गए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी नई नई वीडियोज आपको सबसे पहले मिल जाएगी एज अ नोटिफिकेशन। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, लोकपाल के लोगो को किसके द्वारा डिजाइन किया गया? तो इसका जवाब है प्रशांत मिश्रा के द्वारा। हाल ही में लोकपाल के चेयरपर्सन जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष ने लोकपाल का लोगो लॉन्च किया है। इसके लिए माय गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। चयन प्रक्रिया में प्रयागराज उत्तर प्रदेश के प्रशांत मिश्रा द्वारा डिजाइन किया गया लोगो चुना गया। इसके अलावा लोकपाल का आदर्श वाक्य माँ ग्रत है कस्य स्विद्धनम चुना गया। इसका अर्थ है किसी के धन का लोभ मत करो। क्वेश्चन नंबर 2, सार्क देशों के लिए 2019 से 2020 के लिए किस भारतीय संगठन ने करेंसी स्वैप पर फ्रेमवर्क को संशोधित किया है? तो इसका जवाब है आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वैप पर फ्रेमवर्क को संशोधित किया है। इस फ्रेमवर्क के तहत आरबीआई 2019-20 तक $2 अरब के कॉर्प्स में स्वैप अरेंजमेंट की सुविधा प्रदान करेगा। यह फ्रेमवर्क सभी सार्क देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के लिए उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 3, कार्टोसेट 3 उपग्रह को किस लॉन्च व्हीकल की सहायता से लॉन्च किया गया? उत्तर PSLV-47। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 27 नवंबर 2019 को कार्टोसेट 3 नामक अमेजिंग मैपिंग उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया। इसके साथ 13 वाणिज्यिक उपग्रह भी लॉन्च किए गए। क्वेश्चन नंबर 4, 47वें ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन किस राज्य की पुलिस द्वारा किया गया? तो इसका जवाब है उत्तर प्रदेश। पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा सेवानिवृत्त आईपीएस अफसर किरण बेदी ने 47वें ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया। इस 2 दिवसीय इवेंट का आयोजन उत्तर प्रदेश पुलिस गृह मंत्रालय द्वारा तथा पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के साथ मिलकर किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय खेल संहिता के ड्राफ्ट की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का संगठन किया गया? उत्तर मुकुंदकम शर्मा। केंद्रीय युवा व खेल मामले मंत्रालय में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मुकुंदकम शर्मा की अध्यक्षता के राष्ट्रीय खेल संहिता के ड्राफ्ट की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, हेमंत करकरे ए डॉटर्स मेमोर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जवाब है जूही करकरे। हेमंत करकरे ए डॉटर्स मेमोयर पुस्तक की रचना जूही करकरे नवारे द्वारा की गई। वे हेमंत करकरे की पुत्री हैं। हेमंत करकरे 26 गैर आतंकी हमले में शहीद हो गए। क्वेश्चन नंबर 7, किस भारतीय चैनल ने 2019 आईपीआई इंडिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म जीता? तो इसका जवाब है एनडीटीवी। एनडीटीवी ने 2019 आईपीआई इंडिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म जीता। एनडीटीवी को यह पुरस्कार कठुआ रेप केस मामले पर कवरेज के लिए प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में क्लाइव जेम्स का निधन हुआ, वे किस देश के लेखक व प्रसारक थे? तो इसका जवाब है अमेरिका। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई लेखक व प्रसारक क्लाइव जेम्स का निधन हुआ। उनका जन्म 1939 में हुआ था। 1961 में वे इंग्लैंड चले गए थे। 10वें CMS वातावरण एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ फिल्म फेस्टिवल की थीम है, वाइल्ड लाइफ फेस्टिवल की थीम क्या है? तो इसका जवाब है सेलिब्रेटिंग हिमालयाज। 10वें CMS वातावरण एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ फिल्म फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका आयोजन केंद्रीय पर्यावरण वन तथा जलवायु पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, 10 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? इसका जवाब है रिलायंस इंडस्ट्रीज। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज 10 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। मार्केट कैप कंपनी का वह मूल्य है जिसका व्यापार स्टॉक मार्केट में किया जाता है। मार्केट कैप की गणना कुल शेयर की संख्या को शेयर की वर्तमान कीमत से गुणा करके की जाती है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो के अंदर 10 जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस बता दी हैं। तो फ्रेंड्स, आज इसी के साथ में हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।